नंबर का आ रहा है। ठीक है, 20 नंबर। तो यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है एक तरह से। इधर से तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, डिफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का। इसमें डिफिनेशन अगर देखा जाए तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है डिफिनेशन। बेसिकली हैव गिवन डिफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पास बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूल बायोटेक्नोलॉजी के, दोनों को क्या कर दिए इन्होंने, अटैच कर दिया और डिफाइन क्या किया। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कौन कौन से मतलब बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने में ऐड किया, तो जो ट्रेडिशनल वाला था और मॉडर्न वाला दोनों को। ठीक है, जैसे द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। आगे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे टू कोर प्रिंसिपल है यहाँ पे, जैसे बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग है और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिकल में क्या हो जाए, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। अब जेनेटिकल मटेरियल का केमिस्ट्री पूरा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद ही होगा डीएनए आरएनए में डिफरेंट, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अमीनो एसिड, नहीं नहीं सर, ओके, न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोटाइड एसिड, न्यूक्लियोटाइड का। हाँ, सर, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा। अरे यार वो तो होगा ही, पूरा क्या होगा न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है भाई, अच्छा, एक हाइड्रोजनस न्यूक्लियोटाइड। बेस होगा, शुगर होगा और एक वो होगा, क्या क्या बोला उन्होंने अभी, और फास्फोरस होगा, फास्फेट ग्रुप। बीएसपी होता है, मैंने बताया था, मतलब नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर और फास्फेट होगा। अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये हम लोग करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड होगा फास्फेट को छोड़ के। और नाइट शुगर में दो तरह के शुगर होंगे, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। ठीक अच्छा है, नाइट्रोजनस बेस में दो होंगे, एक डबल स्टैंडर्ड होगा जिसे हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड होगा जिसे पिरामिडीन बोलते हैं। प्यूरिन में दो पार्ट हो जाएगा, एडिनिन गुआनिन, और इसमें तीन पार्ट होगा लेकिन मतलब साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल ए ओनली आरएनए में पाया जाएगा और थाइमिन ओनली डीएनए में पाया जाएगा। इतना नहीं याद रख सकते हैं आप लोग। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता किस बॉन्ड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेन ऑफ द, जिसमें स्टाइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री। ठीक है, एमबी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो ये इधर से कोई क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनता है, डिफिनेशन बेस बहुत कम ही आते हैं इधर। आप पढ़ ही लीजिएगा इसको। ये भी वही है ट्रेडिशनल। जैसे पढ़ ही देते हैं, देखिए ये चैप्टर थोड़ा मतलब कि थोड़ा डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या इधर से आप निकालिए चाहे उधर से निकालिए, हम आगे से निकालेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो भी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट टू द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
द फार्मर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप सम ऑफ विच में भी बेनिफिशियल टू अदर टू द ऑर्गेनियम एज वेल एज द पॉपुलेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सब आप जानते हैं, अब ये सब मियोसिस में पढ़े हैं। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन, नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन और सेक्सुअल बिल्कुल रिप्रोडक्शन वेरिएशन यानी कि म्यूटेशन को परमिट करता है। ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफ्टन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। द टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन आर सेट ऑफ द डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जेनेटिक टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब ये सब क्वेश्चन देखा जाए तो पहले मियोसिस वगैरह में ही आ जाता है, तो यहाँ से कोई ऐसा नहीं पूछा जाता। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन, हाँ ये क्वेश्चन आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, लेकिन ये बायो जेनेटिकल मॉलिकुलर जेनेटिक्स में क्वेश्चन है, वहां से उठा लेता है ये वाला कि हम लोग ये क्वेश्चन मिलेगा चाहे आप वहां पे चाहे यहाँ पे। मीनिंग क्या है, मतलब कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं या जीन मतलब ये थेरेपी। वो कि मतलब जैसे अगर हम डीएनए डाल दें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब प्रोटीन नहीं बनाएंगे। हाँ वही चीज है, तो लेकिन उसे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा होस्ट में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहले होस्ट या वेक्टर ढूंढते हैं, तो वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं उसे, मतलब एक तरह से एक्टिव किया जाता है, तब उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, वही ये बोल रहा है। मतलब डायरेक्टली जैसे आपके शरीर से हमने निकाला जीन, हम अपने शरीर में डाल लिए तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब म्यूटेट नहीं करेगा, तो बीच में हमें उसे प्रोसेस में मतलब कि प्लाज्मिड वगैरह में डाल के उसे बैक्टीरिया सेल में एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे एक क्वेश्चन है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज हैज द एबिलिटी टू रिप्लीकेट इन क्रोमोसोम। देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, आगे आएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रिप्लीकेशन। देयर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनियम इट नीड टू पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, ओरी पोजिशन बोला जाता है, फिगर भी दिया है आगे। दस एलियन इज डीएनए लिंक विद ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन डुप्लीकेट एंड मल्टीप्लाई इट सेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनियम। दिस कैन आल्सो कॉल्ड क्लोन कहा जाता है, या मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एट एनी डीएनए टेम्पलेट। क्लोनिंग को मतलब यही बोला जाता है, आइडेंटिकल कॉपी बनाने को। क्यों, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जेनेटिक इनकोड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग एंड सर्कुलेटिंग, क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसमें आप द सेलमेला टाइफेरियम है, स्टेनले कोहन, हर्बर्ट बोयर, अब कोहन का तो हर्बर्ट बोयर का फिगर भी दिया है, अकॉम्प्लिश 1972, अब आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है, एक क्वेश्चन है कि इन्होंने मॉलिकुलर सीजर मतलब एक तरह से डीएनए को कट करने का मतलब एक टूल्स पैदा किया जिसे मॉलिकुलर सीजर बोला जाता है,
और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप देख बैक्टीरिया क्यों बना रहा है, मेरा सवाल है। क्योंकि बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया से जब अटैक करता है उसको इवॉल्व करके उसका एक वो है, मतलब वो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ देता है जिससे जो आरएनए का, सॉरी क्या कहते हैं, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो खत्म हो जाए। हाँ, मतलब कहने का मतलब जो हमारे पास ये बनाता है, इसलिए बनाता है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, अपने अपने डिफेंस के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया बनाता है, यही ना, डिफेंस यस सर, हाँ डिफेंस के लिए ही तो बना रहा है। हाँ, जी, अगर क्वेश्चन ये आया हुआ, ठीक है, तो मतलब कि बैक्टीरिया जो रिस्ट्रक्टर एंजाइम बना रहा है हमारे यूज के लिए नहीं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करिएगा आप जाके आगे, वो अपने यूज के लिए बना रहा है और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बना रहा है, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं दूसरे वे में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक, मतलब जेनेटिक कि है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम बोला जाता है। जी द कट पीस ऑफ डीएनए वाज द लिंक विद प्लाज्मिक डीएनए, दिस प्लाज्मिक डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो, बोल रहा कि वो रिलेट कर रहा, जैसे मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है, किसका, प्लाज्मिड का, अरे प्रो क्या कहते हैं, परमिशन प्रोटोप्लाज्म का, वही मतलब पैरामीशियम का नहीं, अरे प्लाज्मोडियम वाइगैक्स का, प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम का, प्लाज्मोडियम सॉरी प्लाज्मोडियम। का। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है, इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर डिलीवर टू एलियन पीस ऑफ डीएनए इन टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मिड यहाँ पे हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम ए पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या काम है, जोड़ने का, कट किए तो उसे जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए, ग्लू का काम करता है डीएनए लाइगेज। इच इज एक्ट एंड कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइनिंग देयर इन, दिस मेक ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, एंड दिस डीएनए इज ट्रांसफर इन टू एस्चेरिचिया कोलाई। अब इसे क्या करते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई में इंट्रोड्यूस करते हैं ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टी सोलेमेला टाइपियम, जी इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग ए न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे मतलब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कॉपी बनाता है नहीं, अब मेकिंग मल्टीपल कॉपी, द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ई कोलाई वाज कॉल्ड कॉलोनी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर थ्री बेसिक स्टेप जेनेटिकल मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, पहले क्या करना है, तीन स्टेप लिखा है, तीन ही स्टेप याद रखना है, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इट प्रोजेनी, ठीक है, तो ये तीन काम है, पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट ट्रांसफर डीएनए। तो यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टूल्स बता सकते हैं कौन कौन सा टूल्स है, तो वही टूल्स है, एक तो हमें एंजाइम, रिस्ट्रक्चर वेक्टर एंजाइम, और पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज एंजाइम चाहिए जोड़ने के लिए, वेक्टर चाहिए, होस्ट चाहिए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इतना चीजें चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला आता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम, तो टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिचिया कोलाई वेयर आइसोलेट, वन ऑफ दीज एड एज मिथाइल, यही मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, वाइल अदर कट डीएनए, द लेटर इज कॉल्ड, इसे क्या बोला गया, रिस्ट्रक्टर इंडेनेट डीएनए। एक्चुअल
तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाता है, अभी 2016 वाले नीट में भी आया था, मतलब कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियर जेंडाइन जो फंक्शनिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक न्यूक्लियर सीक्वेंस आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज 5 लेटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 2006 में क्वेश्चन आया था, अरे 2016 वाले नीट में ये पूरा। तो फर्स्ट आइसोलेट जो था हिंद सेकंड था, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट हिंद सेकंड ऑलवेज कट मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस नोन एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीक्वेंस टू फॉर हिंद सेकंड। सेकंड शायद है हिंद सेकंड टुडे वी नो मोर देन, अब बोल रहा है आजकल कितना, मतलब एंजाइम रिस्ट्रक्टर एंजाइम आइसोलेट किया गया है, 900 रिस्ट्रक्टर एंजाइम हैव आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब 230 बैक्टीरिया ईच अब रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, मतलब स्पेसिफिक होगा, ऐसा कि नहीं कहीं से कोई कट दे। ठीक है, तो द कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जल्दी आया था नेमिंग के कन्वेंशन पे, इसमें आर पूछ लेगा, ज्यादातर आर पूछा जाता है, आर क्या है। ठीक है, तो हाँ कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग, एंजाइम फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस, जैसे ईस्चेरिकिया कोलाई हो गया, तो ई कहाँ से आया, जीनस नेम से, जीनस और दो टू लेटर स्पीशीज मतलब स्पेसिफिक नेम से आया था, कोलाई मतलब को यूज हो गया, आर लेटर मतलब यहाँ पे कौन यूज से स्ट्रेन होता से है। डिस्कवर किया? इससे लिया गया, इस ट्रेनिंग किससे हुआ है, ठीक है, रोमिन नेम रहता है इंडिकेट करता है, और यहाँ पे और भी चीजें रहता है, जैसे मान लीजिए आर आई जो 13 ईस्चेरिकिया कोलाई है तो उसे मतलब यूज करते हैं, मतलब इसमें याद रखना है रिस्ट्रक्टर एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसे हम लोग न्यूक्लियज बोलते हैं, ये भी न्यूक्लियज दीज आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लियज होगा, एक एक्सो न्यूक्लियज होगा, एक इंडो न्यूक्लियज। एक्सो न्यूक्लियज बहुत पूछा जाता है, एक्सो न्यूक्लियज इंड साइट से जो कटिंग करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इंड साइट से, तो उसे हम एक्सो न्यूक्लियज बोलते हैं, एक्सो मतलब बाहर कह सकते हैं, इंडो न्यूक्लियज मेकिंग कट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, यानी कि अदर देन इंड साइट से जो कटिंग करेगा उसे इंडो न्यूक्लियज बोलेंगे, यानी कि अंदर साइड से कटिंग। इस रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियज फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्टैंडर्ड ऑफ डबल हेलिक्स स्पेसिफिक पॉइंट जिसमें शुगर फास्फेट बैकबोन। ठीक है, तो शुगर फास्फेट बैकबोन किसका है, न्यूक्लियोटाइड का है, तो ये जी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग खुलते बहुत है, जो नाइट्रोजनस बेस बैकबोन नहीं होता है वो जोड़ने का काम करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, और जो बैकबोन होता है शुगर फास्फेट बैकबोन, ये तो कटिंग किसका करेगा, शुगर फास्फेट का ही पोजीशन से कटिंग होगा। इस रिस्ट्रक्टर इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड टू पैलिंड्रोमिक, सबको पता ही है, मलयालम हो गया, मैडम हो गया, ये सब क्या है, पैलिंड्रोमिक हो गया, यानी कि उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ेंगे वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक में सबसे इम्पोर्टेंट है गैट है टीटी, ये वाला जी क्वेश्चन आता भी है एल हमेशा आएगा TTC। ठीक है, इसका पैलिंड्रोमिक बताइए। इधर जैसे मान लीजिए 5 डैश है, ये 3 डैश होगा, ठीक है, सी और TT AA जी हो जाएगा, इधर 3 डैश हो जाएगा, ये 5 डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियस जो कटिंग करता है जी और ए के बीच में कटिंग करता है केवल,
और यहाँ पे भी जी और ए के बीच में कटिंग करेगा तो ये पोर्शन पूरा निकल जाएगा ये, ठीक है, ये पोर्शन निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला निकाल लीजिए, पूरा कर्सर निकल गया। ये निकल जाएगा तो यहाँ स्टिकी एंड बन जाएगा इस तरह का। स्टिकी एंड मतलब कि ये दो तरह का मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होता है, एक स्टिकी एंड कटिंग करता है जैसे इस चिरिकिया कोलाई से निकाला हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, स्टिकी एंड से कटिंग करता है, और कुछ मतलब ब्लंट एंड से कटिंग करते हैं। ब्लंट एंड मतलब मान लीजिए जी ए टी सी सी है, जी और सी ए ए और टी ए है, तो ऐसे कट कर दिया तो ये ब्लंट एंड है, ठीक है। तो ब्लंट एंड मतलब कि क्लियर, तो स्टकी एंड ज्यादातर इम्पोर्टेंट होता है जोड़ने के लिए, जिससे लाइगेज इफेक्टिवली जुड़ जाता है, इसलिए स्टकी एंड ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल हेडेड स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, पैरेलल मत लगा दिया करिए, आप लोग पैरेलल लगा देते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है, ठीक है। हमेशा एंटी पैरेलल होता है, 5-2 3-3, 3-5, ठीक है। कभी पैरेलल पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप लोग बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं, अभी टेस्ट में पूछा था करेक्ट, तो आप लोग पैरेलल लगा देते हैं, पैरेलल नहीं होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। ये पूरा क्लियर कट पढ़ा करिए ना, अधूरा पढ़ते हैं। चलिए तो ये आप तो यहाँ पे स्टकी एंड वगैरह जान ही रहे हैं, तो ये मलयालम हो गया, पैलिंड्रोमिक हो गया, यहाँ पे फिर वही चीज लिखा हुआ जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। एंटी पैरेलल पूरा पूरा आंसर पढ़ा करिए तो गलत नहीं होगा, एंटी पैरेलल, ठीक है सर। हाँ एंटी पैरेलल होता है, पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल नहीं लगा के आना है, हमेशा एंटी पैरेलल ही टोड़ा करिए। चलिए रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम कट द स्टैंडर्ड डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेस एंड अपोजिट स्टैंडर्ड, दिस लिव इन सिंगल स्टैंडर्ड बट पोर्शन अप एट द एंड, देयर आर ओवर हेलविंग कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्टकी एंड, ठीक है। दीज आर नेम सो बिकॉज फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री कट ऑफ काउंटर पार्ट, द स्टिकी नेस ऑफ द एंड फैसिलिट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। स्ट्रक्चर इंडो न्यूक्लियस यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ द फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ द एंजाइम जीनोम एंड कटिंग सेम रिस्ट्रक्टेड एंजाइम रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट जिसे हम लोग स्टक एंड इसे टूगेदर इन टू इंड्यूसिंग डीएनए लाइगेज। यहाँ पे दिया है प्रोसेस, ऐसे यहाँ प्रोसेस देख सकते हैं, फॉरेन डीएनए मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस फॉरेन डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा जो हमें डिजायरेबल डीएनए, डिजायरेबल मतलब सेगमेंट चाहिए, तो मान लीजिए ये चाहिए, ये मैंने कट कर लिया तो कट करना पड़ेगा, और यही काम वेक्टर में भी कर करना पड़ेगा कि इतना पोर्शन जहाँ पे ये हम अटैच करेंगे उतना पोर्शन तो निकालना पड़ेगा, मतलब सेम वो सेम यूज करना होगा सेम ही रिस्ट्रिक्शन। यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस बुक में अभी आगे बताएगा प्रोसेस, अभी तो केवल ये इंट्रो एक तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम लिखते जाए थोड़ा सा, जैसे इधर देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी 2021-22-13-14 मतलब 1500 में आया था, 3 साल 4 साल से आ रहा है पैलिंड्रोमिक वाला, ठीक है। और ये वाला भी 2022 में, ये दो क्वेश्चन एक ही साथ में पूछा गया था 2022 में, ये आया था, ठीक है। और इसी में रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम पैलिंड्रोमिक साइट बिटवीन अपोजिट वंड स्टकी एंड वाला पूछा गया था, ये वाला, ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था, ठीक है। तो स्टकी एंड वाला भी अभी आप में आया था, 20 में भी आया था ये स्टकी एंड,
लाइगेज 2020 का। तो मतलब कि आपको ये सब पता थोड़ा सा रहना चाहिए, लाइन से लाइन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइगेज ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे कहाँ पे, एस्चेरिचिया कोलाई में। तो वहां पे क्या होगा, ये डिवीजन होगा कि नहीं, मतलब ये एक्टिव होगा। तो अब फिर इसे फिर हम लोग निकाल के फिर होस्ट में लगाएंगे। अब यहाँ पे आगे आपको दिया होगा कि इस कट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कर लगाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कहाँ पे हमें एंजाइम मतलब अटैच करना है, मतलब ठीक है। तो मार्कर लगे, ऐसा नहीं पूरा हम उसी में डिजोल्व कर देंगे। जैसे आप देखते हैं लकड़ी कहीं पे कट करना होता है तो आप उसे पेंसिल से मार्क कर लेता है, इतना हमें कट करना है, तो वहां से कट करता है। तो उसे सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग यूज करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस अनकट द वेक्टर एंड सोर्स ऑफ डीएनए सेम रिस्ट्रक्टर एंजाइम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रक्टर एंडर न्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डी डीएनए। दिस फ्रेगमेंटेशन कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल चलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है ये। और सिंस डीएनए प्रोफेसर, फ्रेगमेंट आर निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, सेपरेट बाय फोर्सिंग द मूव टूवर्ड द एनोड, ठीक है। यानी कि निगेटिव है तो किधर जाएगा, एनोड की तरह जाएगा, एनोड की क्योंकि तरफ एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक पॉजिटिव, हाँ है, डेथ और कैथोड निगेटिव। निगेटिव होता है, ठीक है, तो एनोड की तरफ जाएगा। अब देख, नाउ मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज मैट्रिक्स जो है एर्गोट जेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एर्गोट जेल क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बताया था लेक्चर में। और एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर, और ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो कभी कभी बायो मॉलिक्यूल में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। तो उसमें ये भी एक दिया रहता है कि ये भी नेचुरल पॉलीमर है, और कहाँ से निकाला जाता है, सीवीड से, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू साइज, और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोजेल। तो हेंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव, लुक फिगर, इसमें गैसेस ऑफ द व्हिच इन द जेल ऑफ द सैंपलिंग लोडेड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्ट्रेनिंग द डीएनए विथ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, फॉलोड बाई ठीक एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। आप में क्या ये क्वेश्चन, अगर हम देखें ये क्वेश्चन कितने साल आया था, 2016 17, ठीक है, 20 21 22 23, ठीक है, समझ रहे हैं। ये मतलब कि यहाँ से विजुलाइजेशन वाला नहीं दिखा, मतलब सीन कलर इथिडियम ब्रोमाइड एक्सपोजर डीएनए, ठीक है। तो ये मतलब कि हर साल का क्वेश्चन है, ठीक, ऐसा नहीं कि पिछले साल आ गया तो अगले साल नहीं आएगा। 2017 2020 21 22, देखिए 21 22 23, इधर 3 साल रिपीटेड है एकदम, ठीक है, तो आता ही है हमेशा। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूटेशन। इस साल देखिए बहुत ज्यादा ये पूछ लिया, अगर बहुत ज्यादा उसे दिखेगा रिपीटेड तो इल्यूटेशन पूछ लेगा। ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूटेशन इल्यूशन। बोलते हैं। तो यहाँ पे फिगर गलत जगह रखा गया लग रहा है, इसका फिगर
ये वाला फिगर था। PBR 322 भी बहुत पहुंचा था। अरे यार अभी बहुत लास्ट में, इसमें हर जगह इस क्वेश्चन आता है। तो ये है, आप देख सकते हैं यहीं से, अगर फिगर से ही क्वेश्चन, टिपिकल एग्रोजल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड सेटअप डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। इसमें कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब इस फिगर से कि किसमें अनडाइजेस्टेड ज्यादा है, किसमें डाइजेस्टेड ज्यादा है, ठीक है। तो क्लोरीन वेक्टर डाइजेस्टेड मतलब जैसे जैसे ही फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे। मेरा डाइजेस्टेड इन द सेंस क्या डाइजेस्टेड मतलब जैसे क्या। इसमें टिपिकल मतलब एग्रोजेल जो हम लोग शोइंग करते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन जो है फिगर से क्वेश्चन, आप लोग लाइन नहीं देख रहे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिख रहा। जैसे हाँ ये ना मतलब पूरा डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड में फर्क क्या हुआ। डाइजेस्टेड डीएनए और अनडाइजेस्टेड डीएनए में फर्क क्या हुआ मुझे पूछो। बताइए, आपको नाम से तो लग ही रहा है तो डाइजेस्टेड डाइजेस्ट का डीएनए। मतलब तो ये होना चाहिए कि डीएनए खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि एंजाइम से रिएक्ट कर रहा है, हाँ और वही अगर चीज, वो खत्म है तो फिर वो यहाँ क्या कर। यहाँ पे दिखता नहीं ना, फर्स्ट लाइन देखिए, मैं इसमें कम दिख रहा है, फर्स्ट लाइन देखिए फर्स्ट लाइन सिंगल दिख रहा है। हाँ अच्छा, अनडाइजेस्टेड मतलब, अच्छा मतलब उसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में लगाया होगा, ये कह रहे हो आप। अंडा अच्छा तभी फ्रैगमेंट नहीं हुआ है उसके। फ्रेगमेंट नहीं हुआ है, तो ये फिगर से ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा, इसी से पूछ लेता है। ये फिगर जो लिखा है देखिए, अंदर नहीं लिखा है उन्होंने डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड, कहीं पे यहाँ पे लिख दिया है। तो ये फर्स्ट लाइन क्या है, ये ऐसे पूछेगा अनडाइजेस्टेड लाइन कौन सा है। तो फर्स्ट लाइन आप हमेशा लगा के आएंगे, याद कर लीजिए, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डाइजेस्टेड सेट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट कितना है, 2 से लेके 4 तक है, फोर्थ। बस समझ रहे हैं। चलिए, यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम डीएनए, ठीक है। अब देखा जाए, बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ द हाई नंबर ऑफ पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली वन आर टू टाइप टू कॉपी पर सेल विद इन द, कितने होगा, इतने से नए सेल बनाते हैं आप जानते हैं। देयर नंबर गो इवन हाई इफ आर एबिलिटी टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिक बैक्टीरियोफेज, वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर इन सच वे दैट दे हेल्प इज ए लिंक ऑफ द फॉरेन डीएनए, इसमें सेलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट, दो पार्ट हो जाएगा ना। तो इसमें देखा जाए, अब फॉलोइंग आर द फीचर दैट रिक्वायर्ड टू फैसिलिट क्लोनिंग इनटू वेक्टर, तो फीचर कौन है क्लोनिंग, पहला तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑफ द पिक्चर। रिप्लिकेशन, अभी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ओरी पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड बाय रिप्लिकेशन विद इन होस्ट सेल, दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, सो इफ वन वांट टू रिकवर वेनिंग कॉपी ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर आ गया, सेलेक्टेबल मार्कर जैसे एडिशन ऑफ ओरी रिक्वायर
टू सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि विच हेल्प आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि सेलेक्टिव परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफर डीएनए। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ठीक है। अगर देखा जाए 2017-20 तो सब में पूछा गया था, ठीक है। ये नीट का ही बता रहे हैं खाली, पुराना तो बहुत बार पूछा गया हो, मतलब कि जब से नीट हो रहा है उतने तक का याद है, उतने तक का ही बता रहे हैं, ठीक। ट्रांसफर इन इज प्रोसीड थ्रू पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है, जिसमें नॉर्मली जीन इनकोडेड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज। अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा एम्फिसिलिन है, ठीक है, क्लोरोपेनिकोल है, सारे एंटीबायोटिक आप लोग जानते हैं, सारे लोग यूज ही किए हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन बोला जाता है, ये सब यूज कंसीडर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज किए जाते हैं। तो एम्पिसलिन है, क्लोरोफेनिकॉल जानते हैं, टाइफाइड का मेडिसिन में मोस्ट कॉमन हाँ मेडिसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, ये सब सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया है। नॉर्मली ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेन एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक, ठीक है। मतलब ई कोलाई कोई मतलब इन लोगों के प्रति रेजिस्टेंस नहीं कैरी करता है, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट क्या होगा? क्लोनिंग साइट रिकॉग्नाइजेबल क्लोनिंग साइट होता है, रिकॉग्नाइजेबल साइट तो ये 2022 में भी आया था, मतलब कि अगर देखा जाए एल एन डी एन ए वेक्टर नीड हैव वेरी फ्यू, यानी कि प्रेफरेबल सिंगल यानी कि रिकॉग्नाइजिंग जेसन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रक्टेड एंजाइम, जिसे हम लोग प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट विद इन द वेक्टर विल जेनरेट सेवरल फ्रेगमेंट विच अकॉम्प्लिश जीन क्लोनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उसे द लाइगेशन ऑफ डीएनए इज कैरी आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट फॉरन डीएनए एट ए बॉम साइट ऑफ द बॉम H1 है ना, साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, बट कैन स्टिल सेलेक्ट नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लांटिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग, मतलब अपोजिट वर्क करता है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिगर कहाँ गया, ये इसमें देख सकते हैं बाम है, ठीक है। तो उसके इसमें तो अपोजिट कोई में क्या पार्ट है, डाल के नहीं कर टेट्रासाइक्लिन, सकते। टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, और पास PST फर्स्ट है एम्फिसिलिन, यही याद रखना अपोजिट में, और PBR ये वेक्टर है 322, ठीक है। बाकी यहाँ पे ओरी पोजीशन ये सब नहीं, बस ये वाला जो मैंने सर्कल किया ये याद रखना है। बाम तो यूज कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एम्पिसलिन यूज किया गया है पास्ट में, टेट्रासाइक्लिन यूज किया गया है बाम वन में, ठीक है। तो यही यहाँ पे घुमा फिरा के लिखेगा, लेकिन उतने से क्वेश्चन सही हो जाएगा जितना मैंने सर्कल किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो वही चीज लिखा है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बट कैन स्टिल सेलेक्टिव आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लांटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, ट्रांसफॉर्मिंग फर्मेंट ग्रोन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट एन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो अपोजिट थोड़ा सा यहाँ पे सोच के पढ़ना है, तभी आप
फिगर से क्वेश्चन सही हो जाता है जो मैंने बताया, बट नॉट नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक, दोनों यानी कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन में दोनों में ग्रो करेगा, ठीक है। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर द अदर एंटीबायोटिक क्या होगा, रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। सेलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक इज ए कंपर्सन ऑफ प्रोड्यूस बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लांटिंग एंड टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, देयर फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मेकर हैव बी डेवलप विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम वन रिकॉम्बिनेंट वन नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट, ठीक है। ये भी यूज किया जाता है आजकल, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट क्रोमोजेनिक विद क्या इन द होता है? क्रोमोजेनिक कोड, क्रोमोजेनिक मतलब आजकल मतलब यूज होता है सेलेक्टेबल मार्कर ज्यादातर कलरिंग, कलरिंग मतलब कलर लगा देते हैं, जैसे पेंसिल से मतलब कारपेंटर लगा देता है ना, ठीक है, कलर लगा दे तो वो ज्यादा इजिली मतलब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना कि कलरेशन है वहीं से कट करना है, क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट यूज किया जाता है, ये बोल रहा है मतलब कलरिंग वैसे कोई बहुत। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बैक्टीरियो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, आप जानते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अभी मॉलिकुलर जेनेटिक्स में फिर पढ़ेंगे, जो वहां पे बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रिमरेज और ट्रांसफरेज एंजाइम है ना लाइक ओपरान में, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है एक पार्ट होता है। तो दिस रिजल्ट इन टू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ एंजाइम व्हिच इज रिफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, दिस प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट गिव ब्लू कलर क्लोनिंग। तो ये भी पूछा जाता है किस कलर की कॉलोनी डेवलप करता है ब्लू कलर इफ द प्लाज्मा इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दिस आर आइडेंटिफाइड एज ए रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो ये अगर मतलब इसमें इंसर्ट कर देते हैं रिजल्ट इसमें कोई कलर नहीं होता है, वैसे तो ब्लू कलर का कॉलोनी डेवलप होता है, ठीक है। तो क्लियरली ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ क्रोनोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनी, ठीक है। प्लाज्मिन इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, जब तक नहीं इंसर्ट करते हैं। तो मतलब कि ये 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ब्लू कलर वाली कॉलोनी का नाम, ठीक। अब चौथा यहाँ पे प्रोसेस है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट या एनिमल। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यू मे सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग जीन इनटू प्लांट एनिमल फ्रॉम बैक्टीरियल सेल एंड वायरस विच हैव नोन फॉर दिस एज हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफर यूकेरियोट सेल बोथ देम टू बैक्टीरिया वायरस यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबिफिशियम है, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट एबल टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए इनटू टी डीएनए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हाँ ट्यूबिफिशियम डीएनए बोला जाता है, टी डीएनए, ठीक है, यानी कि एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबिफिशियम से यूज किया गया है तो इसे ट्यूबिफिशियम डीएनए बोला जाता है टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूबर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। सिमिलरली रेट्रोवायरस यूज किया जाता है इन एनिमल में। तो ऐसे याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम पैथोजन कहाँ पे डाइकॉट प्लांट में यूज करता है, ऐसा नहीं कि आप अधूरा याद रखेंगे प्लांट, ठीक है, मोनोकॉट लिख दिया तो गलत करके आ जाएंगे। रेट्रोवायरस क्या है एनिमल में यूज किया जाता है एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू कैरियर
कैंसरस सेल, ठीक है। ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवर जीन बाय पैथोजन इन यूकेरियोट होस्ट हैज जनरेट नॉलेज टू ट्रांसफर दीज टूल ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरी जीन ऑफ इन इंटरेस्ट ऑफ द टू ह्यूमन। जैसे ट्यूमर इंट्रोड्यूसिंग यानी कि टीआई, यानी कि प्लाज्मिड जब यूज किया जाता है टीआई, तो प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियम हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर देन पैथोजन अप टू द प्लांट बट स्टिल एबल टू यूज अ मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट। सिमिलरली रिट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म एंड नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल्स, ठीक है। वंस जीन आर डीएनए फ्रेगमेंट हैव बीन लाइगेटेड इनटू सुटेबल वेक्टर इट इज ए ट्रांसफर इनटू बैक्टीरियल प्लांट एंड एनिमल होस्ट, ठीक है। अब देखिए कंपीटेंट होस्ट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एग्रोबैक्टीरियम वाला भी बहुत बार पूछा गया एग्जांपल, ठीक है। तो कंपीटेंट है यार फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ से क्वेश्चन आया था, पिछले बार भी आया था, जैसे बायोलेस्टिक गन या मतलब क्या कहते हैं जीन गन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपिटेंट बनाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल फर्स्ट बी कंपिटेंट बना जाता है, ठीक है। एक कंपिटेंट अगर देखा जाए, मैंने पहले भी बताया था कि वर्ड कहाँ से आया, एक सोच आया, जैसे बिफोर अगर देखा जाए स्पर्म जब मतलब ओवम में पेनिट्रेट करता है उससे पहले क्या बोलता है अपने आप को कैपेसिटेशन करता है, मतलब कैपेसिटी अपनी बढ़ाता है जिससे हम मतलब इतना हार्ड लेयर को क्या करें पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या करता है कैल्शियम आयन को कंज्यूम करता है, ठीक है, कैल्शियम प्लस प्लस को वहां पे स्पर्म, ठीक है, जो मतलब सीमन वैसे में बताना एक है बार। वाला। मैं बोल रहा हूँ जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग में उससे पहले वो कैपेसिटेट करता है, वहाँ वर्ड लिखा हुआ कैपेसिटेट, ठीक है। कैपेसिटेट मतलब अपनी कैपेसिटी इनहेंस करता है कैल्शियम आयन को कंज्यूम करके, ठीक है। तो वहीं से ये भी मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कंपिटेंट बनाने के लिए यहाँ पे डीएनए को, ठीक है, जिससे मतलब होस्ट में पेनिट्रेट करने से पहले उसको कैपिटेंट बनाते हैं कैपेसिटी बढ़ाते हैं। यहाँ भी कैल्शियम आयन का ही डिलीवर्ड किया जाता है जिससे वो कैपेसिटी इनहेंस करे, डाइवेलेंट कैटायन लिखा हुआ है सच एज कैल्शियम, ज्यादातर कैल्शियम यूज किया जाता है कैल्शियम प्लस टू इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, यानी कि विच इंक्रीज द इफिशियंसी विद डीएनए इंटर, इनका ठीक है। ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि यहीं से साइंटिस्ट को दिमाग में आया होगा कैपेसिटी बनाने के लिए, ठीक है। ज्यादातर जगह पे कैपेसिटी कैल्शियम आयन ही बढ़ाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। इन बैक्टीरियम थ्रू फोर इनटू सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हेन फोर्स इनटू द सेल बाय इनक्यूबेटिंग सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आइस में पहले हम लोग गर्म करेंगे, आइस में करेंगे और फिर शॉक लगाएंगे, हीट शॉक बोला जाता है। तो एक तो ये मेथड है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता है कोल्ड किया जाता है, ठीक है, फिर हीट किया जाता है, ठीक है। पहले देखिए डीएनए आइस, फिर इसको प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक लगाया जाता है, देन पुटिंग बैक इनटू आइस, ठीक है।
इसको दारू जो पिया हुआ था चौड़ाना उतारना है, ठीक है। तो एक बार ठंडा एक बार गर्म, ऐसे ही दारू वाले छोड़ाया जाता है ना। तो मतलब हीट शॉक बोलते हैं, लेकिन ये एक पहला मेथड नहीं है, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक नहीं है, सबसे खास बात नॉन स्पेसिफिक है, किसी में, प्लांट में, एनिमल में, किसी में भी हीट शॉक मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स में इसमें भी, इस पर, हाँ, दोनों में यूज कर सकते तो प्लांट्स हैं। में तो सर्वाइवल होती है। हाँ, हीट शॉक मेथड यूज किया जाता है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अभी स्पेसिफिक देगा उसको हम लोग वहाँ पे दूसरा यूज करेंगे। इट इज ए, दो स्पेसिफिक है, दो नॉन स्पेसिफिक है। इधर बोल रहा है, नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इन द मेथड नोन एज माइक्रो माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन, अगर देखा जाए, डायरेक्टली डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या यूज किया जाता है, ओनली एनिमल में, ठीक है। इन अदर सुटेबल फॉर प्लांट, अदर मेथड जो सेल आर बॉम्बार्ड किया जाता है विद वेरी हाई वेलोसिटी, ये आप में भी आया था, पिछले साल भी आया था, परसाल आता है। तो पार्टिकल जिसमें गोल्ड का बना होगा या टंगस्टन का कोटेड रहता है, डीएनए मेथड नोन है बायोलेस्टिक या जीन गन बोला जाता है। एंड लास्ट मेथड यूज, तो लास्ट मेथड में भी स्पेसिफिक इन्होंने नहीं लिखा है, लास्ट मेथड भी डिसआर्म पैथोजन मेथड हो गया, मतलब बैक्टीरियोफेज पे अटैच करके उसे ले जाके, ज्यादातर यूज किया जाता है, अलाउ द इन्फेक्टेड सेल ट्रांसफर टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। तो चार मेथड है, एक हीट शॉक मेथड है जो नॉन स्पेसिफिक है, कहीं पे स्पेसिफिक नहीं दिया है। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन है, तो एनिमल सेल में यूज किया जाता है मोस्टली। और तीसरा है टंगस्टन, या मतलब आपका गोल्ड प्लेटेड कोटेड कोटेड होगा, बायोलेस्टिक या जीन गन, ये प्लांट सेल में यूज किया आंसर। जाता है। और डिसआर मेथड, ये वेक्टर मेथड होता है, ये भी कोई नॉन स्पेसिफिक किसी में भी यूज किया जा सकता है। तो हाँ, बट टेस्ट के थ्रू डालते हैं। ठीक हाँ, चार मतलब मेथड है, चारों याद रखना है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब देखिए बुक में अब प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ काम खत्म होने के बाद। हाँ हाँ ना, सब बता दिया, अब कह रहे हैं आप स्टार्ट करें। आप प्रोसेस स्टार्ट कर। अब प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन आप में आया था, ये जीन गन था, तुरंत यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाले पूरे पोर्शन, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस आप पढ़िएगा, ये पूरा यहाँ तक, नहीं यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएज, आइसोलेटेड ऑफ डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, कटिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट ए लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आप देखिए ये पहले बनाना चाहिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें आइसोलेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये भी 2013 14 15 16 21 20 सब में आया हुआ है आइसोलेशन का, ठीक है, आप में भी आया था। हम देखिए जो क्वेश्चन देते हैं आपको, कराते हैं उसमें 2023 आप वाला नहीं हम कराते हैं, वो अपने से आप करिएगा। बाकी मैं मणिपुर वाला भी रखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, मणिपुर में जो आया था। तो इससे बाकी पहले क्या बोला मैं आपने? सॉरी, मैं आवाज ही दे रहा था, मैं कुछ नहीं दिया। बोला 2023 में जो क्वेश्चन आया था, वो हम जो हमें लगता है वैल्यूएबल ज्यादा है वही रखते हैं, बाकी हम नहीं रखते हैं 2023 वाला। तो अपने से आप पेपर अपना करिएगा, ठीक है। मतलब मैं ज्यादा, मेरा जो दिमाग में रहता है उसकी बात बता रहे हैं, बाकी
मणिपुर वाला क्वेश्चन जो अच्छा रहता है उसको रखते हैं, बाकी पुराने क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप अपना उसको करते रहिए, जल्दी से खत्म करिए, जिससे हम 5-6 पेपर जो 2015 से सोचे करा दें। अच्छा सर आप ठीक, अगला वो करा दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक नहीं, मैं सोच रहा था इनऑर्गेनिक करा दो कल, तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो जाए पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक करा दो, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करा दो। वाला पी ब्लॉक। अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कराया ना, तो हाँ इसे मतलब क्लासिफिकेशन और फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर इन मतलब पी ब्लॉक करा दूंगा, फिर ऑर्गेनिक कराऊंगा उसके बाद, फिर फिजिकल कराऊंगा, ऐसे मैंने सोचा। आप बताइए, चेंज कर देंगे उसमें, कोई हमें दिक्कत नहीं, सर इसकी कराना बात करा दो, इनऑर्गेनिक की बात करा दो और जाना। है। वही मैंने सोचा ना कि जैसे थोड़ा याद करने वाला इधर हो जाए ना पोर्शन, ठीक तो है उसके बाद लास्ट में मुझे फिजिकल कराना रहेगा, तो फार्मूला ही तुरंत तुरंत याद रहेगा। बस। हाँ वो तो बस फॉर्मूले देख के आप क्वेश्चन हाँ, देना। मुझे देख के कराना है, उसमें ज्यादा पढ़ाना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का रख देंगे, तो उससे सारा कवर हो जाए। तो लेकिन अभी जैसे प्री ब्लॉक में जैसे हम लोग पढ़े तो पूरा है, जितना पढ़े हैं उतने ही कराएंगे, जो ज्यादा नहीं कराएंगे, लेकिन अभी जैसे कि ग्रुप वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मतलब 13 ग्रुप, ब्लॉक नहीं करने की जरूरत है, बस हल्का सा देख लें और ऑर्डर वगैरह। जितना पढ़ा है वही, उसी लिए मैं कराना चाह रहा हूँ पहले, जिससे आप लोग थोड़ा सा देख भी लें, ठीक थोड़ा सा पता है। भी लग हाँ, जाए क्या 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 रहेगा। ठीक पता, मैं उतना ही मटेरियल रख दूंगा ना, तो आप उतना ही पढ़िएगा। है कल कराओगे वो? कल कल करें ठीक कराएंगे है। मैं, अल्टरनेट ही कराएंगे। हाँ, तो मैं भाई सो गया था, फिर सोचा नहीं करूंगा, फिर कह कर लेते। हाँ तो अब कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है, थोड़ा मैं सोचा चलिए लेट में मैसेज करते हैं। चलिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, यदि कॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये देखिए, मतलब कि वर्ड लिखे हैं न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक है। अब ये नहीं बोला है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विदाउट एक्सेप्शन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए दोनों आता है, ठीक है, अब ये मत समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए, अब मेजोरिटी बोल रहा है डीएनए ज्यादा होता है। तो इन ऑर्डर टू कट डीएनए विथ रिस्ट्रक्चर नीड, जो वो होता है प्रायोन्स, जिसमें उसको जो प्रोटीनेशियस वो होते हैं। अच्छा ऑर्गेनिज्म नहीं मानते ना। ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए, इन ऑर्डर टू कट डीएनए विथ रिस्ट्रक्टेड एंजाइम इट नीड टू बी प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल। सी डीएनए क्या होगा, इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन वी हैव ब्रेक सेल ओपन, रिलीज डीएनए अलॉन्ग विद माइक्रो मॉलिक्यूल सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, ऑल्सो लिपिड। तो दिस कैन अचीव विद क्रिएटिंग बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम सच एज आइसोलाइसो एंजाइम, जानते हैं बैक्टीरिया के लिए ब्रेक करने के लिए, बैक्टीरिया सेल को सेलुलोज प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए, काइटिनेज फंगस के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड मटेरियल कोई रहे उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरएनए कैन बी रिमूव बाय क्रिएटिंग विद राइबोन्यूक्लियेज, वेयर प्रोटीन कैन बी रिमूव क्रिएटिंग विद प्रोटीओज। ये पिछले साल आया था क्वेश्चन, ठीक है आप में। तो यहाँ पे अदर माइक्रो मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट विद प्यूरिफाइड डीएनए, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेटेड आउट फॉर, ये भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए, रिमूव करने के लिए।
चिल एथेनॉल यूज कर रहे। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया, इसका इसमें कलेक्ट थ्रेड ऑफ द सस्पेंशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंशन, ऐसा कोई फिगर यहाँ पे नहीं पूछा जाता, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये बता रहे हैं केवल इस तरह से दिखता है। कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, रिस्ट्रक्चर एंजाइम डाइजेस्ट आर परफॉर्म इनक्यूबेटिंग प्यूरीफॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल विद रिस्ट्रक्चर एंजाइम एट मैं द उसको प्रोसेस का ऑप्शन। नाम पता होना चाहिए ना, कि जैसे ये इवोल्यूशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट, वो अलग अलग ना, और इसको स्पूलिंग बोलेंगे ना। ये लार्ज स्केल में बनाते हैं ना, तो उसके लिए यूज करते हैं, तो लार्ज स्केल में ऐसे डीएनए निकालते कैसे हैं मतलब? निकालते हैं, ये बहुत सारे जगह यूज किया जाता है ना, बहुत बड़े बड़े। तो ये पूरा डीएनए है जो व्हाइट प्लेट है। डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन रिमूव स्पूलिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता कैसे रिमूव करेंगे स्पूलिंग मेथड से बस। कभी कभी फिगर पे ज्यादा दिमाग जाता है ना, तो वहां से बना देते हैं फिगर क्वेश्चन। अब कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, अब जान ही रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, रिस्ट्रक्टर एंजाइम एर्गो जेल वगैरह ये सब हम नहीं पढ़ने वाले, एक बार बता चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? एक बार बता चुके हैं सारे। इनवाल्व यहाँ से पढ़ देखते हैं, एमपी फ्लिक मतलब कि उसको बहुत ज्यादा कॉपी में बनाते हैं, जिसे हम लोग पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। जैसे मान लिए कोई ट्रेसेज अमाउंट में मिल गया, जैसे क्राइम सीन पे, ठीक है, कुछ भी बहुत ट्रेसेज मिलता है ना अमाउंट, जो फॉरेंसिक वाले जाते हैं बहुत कम, तो उसको बहुत सारे कॉपी सबसे पहले बनाया जाता है, पीसीआर किया जाता है, मल्टीपल कॉपी, जिसे हम आगे एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं लार्ज स्केल में, समझ रहे हैं? और ये विट्रो और टू स्टेप प्राइम स्मॉल केमिकल सिंथेसिस, जिसमें ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड दैट कम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ डीएनए दैट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, तो एंजाइम एक्सटेंड पर प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन ऑफ द जीनोमिक डीएनए एज द टेम्पलेट, इफ द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन डीएनए रिपीट मेनी टाइम द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली, देखिए बिलियन टाइम बढ़ जाता है, 1 बिलियन कॉपी आर मेड, सच सेपरेट एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल। अब यहाँ पे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी है, बता सकते हैं कौन सा? टैग थर्मोस्टेबल। तो यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन है, सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन अचीव बाय द यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम लोग आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मो थर्मस एक्विटस, यानी कि टैक बैक्टीरियम टैक्स मतलब टी ए क्यू यूज करते हैं, शॉर्ट में टैग बोला जाता है ना इसे, विच इज रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट डिजायरेबल कैन बी यूज टू लाइगेटेड विद वेक्टर फर्दर क्लोनिंग, तो इसे हम लोग शॉर्ट में टी ए क्यू यू टैग बोला जाता है, ठीक है, टैग मतलब होगा थर्मस एक्विटस, ठीक है, तो बैक्टीरियम है यूज किया, बैक्टीरिया का देखिए भारी भरकम यूज कर रहे हैं लोग नहीं कहीं भी, तो ये भी हर साल का क्वेश्चन, 21 22 23 23 में तो नहीं टैग वाला पूछा गया था, 21 22 में पूछा गया था, ठीक है, हाँ ये भी हर साल का क्वेश्चन है, ये तीनों डीनेचुरेशन पहले करते हैं, ठीक है, स्टेप में डी ए ई, ठीक है, याद रखना है, पहले डीनेचुरेशन कर एनहेलिंग करते हैं एक्सटेंशन करते हैं, पहले डीनेचुरेशन एनहेलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं,
यहाँ पे देखिए, ये डीनेचुरेशन पहले के प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज यूज किया है थर्मस सेक्वेटेस से, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और 13 साइकिल एम्पलीफायर हो गया 1 बिलियन कॉपी लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये टी ए यूज मतलब आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। इस फिगर से ही क्वेश्चन है 21, 22, 12, 18 ये सब में पूछा गया था। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। अब इंसर्शन दे आर सेवरल मेथड इंट्रोड्यूसिंग इनटू लाइगेट डीएनए इनटू रिसिपिएंट सेल। रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट, वही चीज जो हमने पहले पढ़ा है, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम आयन यूज किया जाता है डाइवेलेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसे मेक डीएनए प्रेजेंट इन सराउंडिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग जीन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, जिसमें एम्पिसिलिन ट्रांसफर इनटू यूकोलाई होस्ट बिकम इन ट्रांसफर इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल इफ यू सेपरेट ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन ठीक है, वाले ट्रांसफर सेल ग्रो अन ट्रांसफर रिसिपिएंट सेल क्या हो जाएंगे, विल डाई हो जाएगा ड्यू टू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। वन इज एबल टू सेलेक्ट ट्रांसफर सेल इनटू प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस सेल कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है। ये पहले भी बता चुके हैं। ऑब्टेन फॉर फॉरेन जीन प्रोडक्ट व्हेन यू इंसर्ट पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनियल वेक्टर ट्रांसफर इनटू बैक्टीरियल प्लांट एनिमल सेल, एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाई इन ऑलमोस्ट रिकम्बिनेंट पर टेक्नोलॉजी। द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। ठीक है, एंड देयर इज नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस द फॉरेन जीन गेट एक्सपोज अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। द एक्सप्रेस ऑफ द फॉरेन जीन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल, जिसमें आफ्टर हैविंग ए क्लोन जीन इंटरेस्ट हैविंग ऑप्टिमाइज कंडीशन टू इंड्यूस एक्सप्रेस ऑफ द टारगेट प्रोटीन वन बी कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट लार्ज स्केल। इफ प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस हेटरोलोगस होस्ट कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, द सेल हार्बोरिंग क्लोन कॉलोनी गेन इंटरेस्ट में बी ग्रोथ स्मॉल स्केल। यहाँ पे इन द लेबोरेटरी कल्चर में बी यूज टू एक्सट्रैक्टिंग डिजायरेबल प्रोटीन एंड दे प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक तरह से लैब वगैरह मेथड है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वही चीज फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे एक दो टर्म है बस, वही इम्पोर्टेंट है, बाकी पढ़ने के लिए तो आप पढ़ेंगे ही। द सेल में आल्सो मल्टीप्लाई इन कंटिन्यू कल्चर सिस्टम विद जिसमें वेयर इन द यूज मीडियम, जिसमें ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड व्हाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम अदर इन मेंटेनिंग सेल, जिसमें फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव यानी कि लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज होगा मतलब तेजी से ग्रोथ होगा। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड प्रोड्यूस ए लार्ज बायोमास लीडिंग टू हाई यील्डिंग ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी दे डेवलप ऑन बायो रिएक्टर यूज किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम इतने लीटर का होता है, कल्चर कैन बी प्रोसेस वाज रिक्वायर्ड, दस बायो रिएक्टर कैन बी टफ वेसल इन विच रॉ मटेरियल बायोलॉजिकल कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिविजुअल एंजाइम यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल ह्यूमन सेल वगैरह। बायो रिएक्टर प्रोवाइडेड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो रिएक्टर ये ऑप्टिमल कंडीशन अचीव करने में बहुत मदद करता है, जैसे प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच सब्सट्रेट सॉल्ट विटामिन ऑक्सीजन सारा, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर कौन सा यूज किया जाता है, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेरिक टाइप का। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर से, कभी कभी फिगर से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्या है गैस इंटरटेन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है बबल फॉर्मेशन मोटर क्या है, ऊपर वाला जैसे एसिड
बेस पीएच कंट्रोल है ये वाला, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। स्टेरिक टैंक टैंक रिएक्ट यूजली सिलेंड्रिकल विच इज कर्व बेस ऑफ फैसिलिटिंग मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर। द स्टेरिक फैसिलिटी इवन मिक्सिंग ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। अल्टरनेट एयर कैन बी बबल थ्रू रिएक्टर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी द बायो रिएक्टर हैज एन एजिटर सिस्टम। एजिटर सिस्टम की तरह वर्क करता है। एन ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम बोला जाता है उसे, एजिटर सिस्टम यानी कि फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे एन ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉ पीरियोडिकली, ठीक है। तो इससे देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पुराना भी क्वेश्चन आया था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कई बार, तो ये क्या काम करता है बताइए। क्या काम करता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? डाउनलोड तीन काम करता है, बता सकते हैं? तीन काम करता है, तीनों काम बता सकते हैं? बताइए। एक तो सप्रेशन करता है, दूसरा प्यूरिफिकेशन करता है, तीसरा प्रिजर्वेशन करता है, ठीक है। तीन काम रिजर्वेशन करता रिजर्वेशन डाल के है। हाँ, प्रिजर्वेशन का काम करता है, तीन काम करता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए दो तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग द बायो ऑपरेशन सिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज सब्जेक्ट टू सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट रेडी टू मार्केटिंग। जब मार्केटिंग करते हैं उसके पहले फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, दिस प्रोसेस इंड्यूस सेपरेशन, ठीक है, प्योरिफिकेशन, विच आर कलेक्टिवली रिफर टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये तो क्लियरली लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट हैज टू फार्मुलेट विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये मैंने आप ऊपर लिख दिया है, सुटेबल प्रिजर्वेटिव के लिए सेपरेशन प्यूरिफिकेशन प्रिजर्वेटिव। ऐसे ही क्वेश्चन आया था 2017 में। ये क्या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या काम करता है? तीन काम कर सकते हैं, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन। सच फार्मुलेटिंग हैड टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग्स। अगर ड्रग्स हम बना रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, स्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग ईच प्रोडक्ट आल्सो रिक्वायर। अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि बहुत स्ट्रिक्टली इसमें देखा जाए तो हम मतलब कि यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल हर प्रोडक्ट का करना जरूरी होता है, आल्सो रिक्वायर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस से, आप लोग बताइए। पढ़ दिया मैंने, मैंने वो सब नहीं रख पाया भाई, बाद में कर लेंगे, ठीक है, दे देंगे आपको पॉइंट वाला। विथ रिफरेंस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ बताइए। फ्रॉम ऑप्शन, बहुत आसान से डिफिनेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट कैन बी प्रोड्यूस टॉक्सिक एलर्जिक मेटाबोलाइट। सही है, तो किया जाता है नहीं? दूसरा देखा जाए, तीसरा टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन एंड टू रिकम्पनेस द डैमेज इट नेसेसिटेट फ्रॉम स्ट्रिक्ट यूज ऑफ कर्व बायोप्रेसिव। ये भी ठीक है, बायोप्रेसिव को कर्व किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस हाँ फोर्सिन रिस्क टू द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी किया जा सकता है। चेंज होगा इन ये जेनेटिक होगा मतलब कॉन्फिगरेशन अंडर नेचुरल इन्वायरमेंट प्रेशर, ये तो नहीं, यही आंसर होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल होगा हाँ, आर्टिफिशियल होगा नेचुरल की जगह पे। दूसरा क्वेश्चन करिए।
अब आप लोग जो आपके पास बुक है ठीक है, उसका क्वेश्चन तुरंत लगा लिया करिए भाई चैप्टर, इसके बाद लेक्चर। बायोलॉजी का क्वेश्चन लगाने में हार्डली 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता होगा चैप्टर का, ठीक है। तुरंत ही उतने 30 मिनट टाइम सबके पास रहता है। बताइए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, कई बार पूछा गया है। एक सेकेंड से एक सेकेंड। उतना टफ भी नहीं क्वेश्चन है, ये तो बहुत दूर दूर का दिया है। मेडिकल प्रोसेस ए होगा। ये इंडियन का आईसीएमआर है, ये अरे भाई, ये तो हो ही नहीं मो क्रॉप को सकता। मॉडी मतलब अगले चैप्टर से क्वेश्चन है, लेकिन जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रिशियल कमिटी होता है, ये होता है, ये बना GEAEC, यहाँ पे अप्रूवल लिख देते हैं, ठीक है, अप्रिशियल कमिटी होता है, तो ये डायरेक्ट याद रखना है। हाँ, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, अप्रेजल कमेटी। हाँ, अप्रीजल होता है, यहाँ अप्रूवल लिख देते हैं, ठीक है, अप्रीजल होता है। अगर ऐसा लिखता है तो ज्यादा टफ होता है, ठीक है, बनाने में भी नहीं बनता है, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ, तो इसमें तो आपका थर्ड ही हो जाएगा। ये बोल रहा है इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर ए पब्लिक यूज, तो ये बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रिशल कमेटी, ठीक है, तो अप्रिशल कमेटी है ना कि अप्रूवल कमेटी, ठीक है, लगता है कि अप्रूवल कमेटी होना चाहिए, ठीक नहीं। ये करिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, मैचिंग वाले। अच्छा, सच बता रहा हूँ, मैच 1 सेकेंड। करना ऐसी ऑप्शन होगा सर, सी है। होगा, ऑप्शन होगा इस। सी होगा इसमें, रिकॉग्नाइजेशन पास्ट क्या है। हेन सेकेंड में थर्ड सेकेंड में रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए, ये इधर वर्ड आ गया उठ के ये वर्ड इधर आ गया है, पूरा आंसर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। यहाँ पे रखना चाहिए, सही है, सी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग कर लिए। बताइए, प्लाज्मिड आर आइडियल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग, आज देख क्यों सेल्फ कैन मल्टीप्लाई कल्चर रेप्लिकेटिंग, आर सेल्फ कल रेप्लिकेटिंग होगा इसीलिए, ठीक है। एक कर लीजिए, ये भी अच्छा कोर्स, तीन पार्ट है इसके, ठीक है। ये होगा, ए ये ये होगा। होगा, आपको समझ में आया, ए चार सही है। प्लाज्मिड स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, cDNA बोलते हैं, जीन क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, जीन ट्रांसफर वेक्टर, जीन इन्होंने ऐसे लिख कैरियर, दिया कॉस्मेट, नहीं कुछ होता है एक्चुअली में, या फिर उन्होंने ऐसे लिख दिया है? ऐसे है, ही है लिखा हुआ है, अच्छा, मतलब वैसे कंफ्यूज बहुत करने के लिए लास्ट मिनट से मिलता जुलता। बहुत फेमस पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने,
प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन अ बैक्टीरियल बाय हम्म, एक सेकंड सर, डी होगा, डी डी। होगा। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्स, पुराना क्वेश्चन है ये तो, आपको उसमें भी था सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी हम लोग दिए थे। चलो जेनेटिक रिकम्बिनेंट बाय ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर फर्स्ट, अभी पढ़ा गया था पी रिशप लाइफ ना, इस चीरी का कोलाई नहीं था भाई, पहले सलमान का टाइप ही था, तो में ना टाइफेरियन था। वो दोनों लिखे हुए थे, दोनों लिखे थे हाँ वहां पे, कहा था लेकिन मतलब कि सेलमोनेला सेम फैमिली टाइफेरियम, कुछ। हाँ मतलब लेकिन सेलमोनेला टाइफेरियम लेडरबर्ग एंड जेंडर ने किया था बेसिकली ट्रांसडक्शन। वैसे तो ये डायरेक्टली अब ट्रांसडक्शन अपने बुक में नहीं है, पुराने वाले बुक में था, लेकिन ये जानिए थोड़ा सा, मैंने जानबूझ के लिखा है ठीक है। और ये डिस्कवरी काफी पुराना है, मतलब कि ये मतलब कि ट्रांसडक्शन तो वो होता है ना, मतलब जो जो बेसिकली वो करता है पॉजिटिव टाइप। जैसे हाँ ट्रांसडक्शन यहाँ पे बोल रहा है ना, ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसडक्शन अगर देखा जाए तो सेलमोनेला टाइफेरियम पे था, और इसमें जो एस्चेरिचिया कोलाई बोल रहा है ना ये कंजुगेशन था, ये डिफरेंट है। और ये बेसिकली जिंडर जिंडर एंड मतलब लीडर वर्ग ने किया था, अगर जानना हो सेलमोनेला टाइफेरियम पे। और ये और यहाँ पे लीडर बर्न एंड टेटम ने किया था, टेटम पुराने बुक में किया था ये, ठीक है बस मैं जानने के लिए पे। और ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था भाई, सर ट्रांसफार्मर मेथड किसने, फेडरिक गिफ्ट, ये आप में दिया है फ्रेडरिक ग्रिप दिया है ना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये किसने किया था, किस पे किया था, ट्रांसफार्मर मेथड फ्रेडरिक ग्रिप किसने किया था। उसमें रैट में किया था उसके साथ, सरेशिया ग्लास। अरे यार स्त्री का कोलाज पीछा नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, पढ़िए ये तो दिया है, इस साल आएगा ये ठीक है। ट्रांसफार्मर मेथड ये दिया था ठीक है। और ये एग्रो बैक्टीरियम के बारे में अगर देखा जाए तो यूज ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू प्लांट सेल, अभी थोड़े से पहले यूज किया गया था, ये बेसिकली कहाँ पे प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया जाता है, प्लांट अभी पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन कराने का मतलब तो सबसे अच्छा तो मेथड यही होता है कि हम चारों ऑप्शन क्लियर करें, लेकिन भाई उतना टाइम भी नहीं रहता, तो हम सोचते हैं आप लोग क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे चारों के बारे में मैंने लिख दिया, जो भी आएगा ठीक है। अभी वो वहाँ पे लिखा था प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में 20वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा यूज करने वाला है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबिफिशियम, टीआई प्लाज्मिड। और अगर ट्रांसडक्शन पूछता है, जो नहीं पूछेगा ज्यादातर, कि वैसे डायरेक्ट नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कसम खा के बोल रहे नहीं पूछा, कहीं ना कहीं तो बुक में ही है, तो सलमोनेला टाइफेरियम है, ट्रांसडक्शन मेथड बैक्टीरिया, कंजुगेशन मेथड में एस्चेरिचिया कोलाई, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ठीक है। टू मैक्रो फाउंड वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। बताइए वेरी यूजफुल।
बी। हाँ बी होगा। पर यहाँ सरेशा कुलाई की जगह वो नहीं होना चाहिए, वायरस, क्या चीज रेट्रो वायरस। भाई, जो दिया है वही होगा। ठीक है, जो दिया रहेगा उसमें तो बोलेंगे नहीं ये रख दे होते यार अपने मर्जी से। ऐसा तो होगा नहीं, वहां करेक्शन थोड़ी करने गए हैं क्वेश्चन का अच्छा नहीं करने गए ना, तो ये सब दिमाग से उठा हटा दीजिए, जो दिया है उसी में आपको आंसर लगाना है। ठीक है सर। आगे से क्वेश्चन, फिर लड़ाई करने के लिए नहीं, बहुत बच्चे हर क्लास में एक बच्चा हम कई बार बोले ऐसा रहता है जिसको लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है, समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन गलत वगैरह नहीं रहता है, जो गलत रहेगा वो बाद में आपका मैटर नहीं, वो अपने आप डिजॉल्व होगा, आप उसमें से लगाइए जो आपको लगता है सही है। ठीक है, हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसे हो ही जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सबसे कम गिरर रहेगा, ये भी ध्यान रखिए। अभी पढ़ा है एर्गोजल एक्सट्रैक्ट फॉर्म, कहाँ से निकाला जा सकता है एर्गोजल? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस उसी के लिए किया जाता है। के। ये बताइए, सेलेक्टेबल मार्कर एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इनकरेक्ट पूछना है। ठीक है, आप लोग एबिलिटी है आप ढूंढिए, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, और आंसर भी बताइएगा क्यों बोल रहा है इनकरेक्ट है। सेलेक्टेबल मार्कर एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सही है, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये भी सही है, तो बी इसीलिए होगा। ये भी सही है। ठीक है, अब रेट्रोवायरस कैन नॉट बी यूज डिलीवर जीन इनटू एनिमल सेल, रेट्रोवायरस यूज होता है। यूज करते हैं। ठीक है, कैन नॉट रहता है, एर्गोजेल सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट रैंडम, रैंडम नहीं करता है, साइज मतलब लार्जर टू ए टू स्मॉलर। ठीक है, तो यानी कि ये बी आंसर हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन सा सारा क्लियर हो गया लगभग लगभग। चलिए, अब आप लोग बोलेंगे कोई क्वेश्चन तो बोलते नहीं हम कि खराब है, कैसे नहीं कुछ नहीं, चलिए अच्छी बात है, नहीं सुने शिव भाग गया क्या? अच्छा हाँ भाग गए। चलिए, बताइए बताइए बी क्या होगा, बी क्वेश्चन। बी होगा। हाँ भी दूसरा बताइए, कौन सा ये वाला रिस्ट्रिक्टेड एक सेम ही एंडोन्यूक्लियर है। सेम ही है। हाँ कॉपी हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व,
बी एन एफ होगा क्या? बी बी। होगा। अरे आ गए। अरे सर चला गया यार। अरे भाई भाग गए मुल्क तो। नहीं कल सैंपल आया था ना ब्लड का, तो आंटी के रिपोर्ट भेजना है, तो मार फोन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए लगाए जल्दी जल्दी भाई। रंगली पेयर बोल रहा है। डीएनए पॉलीमरेज कॉपीज तो सीक्वेंस, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें रॉन्गली नहीं हो सकता। सही रंगली जल्दी सेलेक्ट करिए भाई आप लोग। डी ऑप्शन होगा क्या? रॉन्गली रिस्ट्रक्चर कंफर्म नहीं मालूम। इंडोन्यूक्लियर प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट जीन क्लोनिंग। एक डीएनए सेकंड सर, लाइक एक सेकंड। डैम दैट कट डीएनए प्रोड्यूस स्टकेंड। भी होगा ना, अगले अब डीएनए लाइगेज एंजाइम दैट कट वाले डीएनए प्रोड्यूस स्टकिंड। डीएनए लाइगेज कहीं कटिंग करता हाँ जोड़ता है, हाँ है, जोड़ता है, तो ये हो गया, जोड़ता है। तो कटिंग लिखा हुआ है। अच्छा बाकी तो सही है, आसान सा क्वेश्चन है। ये वाला तो भूलेगा ही नहीं। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बताइए। होगा, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। हाँ डी ऑप्शन है। एन लिखा गया है, एन मतलब नीट रहा होगा, नीट में आया था। ठीक है, हाँ नेट 2020 में आया था ये। तो बहुत फेमस है भाई, तुरंत बताना चाहिए। हिंद सेकंड है। सेकेंड, हाँ हिंद सेकेंड, उनका लिख दिया, लाइन उतार दिया, देखिए एनसीईआरटी का 6 बजे तक। सिक्स बेस पेयर। मैच फॉलोइंग मैच कर लिया भाई ध्यान से देख के। रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियज है, यहाँ से यहाँ कट के आ गया है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ पे जाना है, ठीक है, बाकी तो ठीक है शायद। कल एक लड़का बोल रहा था नीट बहुत आसान होता है, मैंने कहा मूड खराब कर रहा है साला। रीड नहीं देता बोला उसे हॉस्पिटल फिर खबर आती है, में कैसे फिर खबर आती है पीटने के बाद। वही तो बच्चे ने उड़ाया हलवा नीट का मजाक, बैठा है हॉस्पिटल की था। सीट पे। कहीं चलिए आप ही के बताइए, हॉस्पिटल में आ जाते। हाँ अपने भर्ती करा लेते फिर बिल बना अरे देते। पैसे भी मिल जाते भाई साहब, शेफ नहीं होता। ऐसे ही पैसे कमा रहे लगता है आप। इलेक्ट्रिक्शन बताइए, इंडोर मैच करिए जल्दी भाई। सॉरी सर, ए का कौन मिला ए रहा का है? 3 होगा, बी का ये क्या है सर? बी क्या बी है? का रिस्ट्रिक्शन मोस्ट रिस्ट, रिस्ट्रिक्शन बी का सेकंड तो नहीं कर सकता, बी का फोर्थ होगा लगता है। एक्सोन्यूक्लियेज होगा यार, यहाँ से यहाँ उठ के वर्ड आ जाता है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कब सही है? हाँ तो इसका 4 होगा, बी का 4 बी का फोर है, बी मतलब का फोर ये इसका ही हो ऑप्शन ये जाएगा। होगा, सी ऑप्शन होगा। सी का फर्स्ट, ठीक है, सी होगा, एकदम सही है। सी ऑप्शन होगा इसका। जल्दी करिए, दो चार क्वेश्चन और है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट कहाँ पे करते हैं? कैन बी सेपरेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा
आइडेंटिफाई करना है, करिए जल्दी से। ए बी सी एंड ए ई होगा, बी क्या बी ऑप्शन, लेकिन बी नहीं होना चाहिए। हाईली एक्टिव प्रोमेटर है? वन मोर एंड पे मार सकते हैं, इंस्ट्रक्शन साइड बताइए भाई, कौन सा बताया आप? बी नंबर बताया हूँ सर, कंफर्म नहीं बता ये नहीं है यार, गलत बी बता रहे हो। हैं। एक सेकंड रुक जाओ गलत सर, गलत बताने बताना सही, है? जो गलत बताने सही बी गलत बताना बताया तो बी। सही, सही बताना है मतलब, बताना तो सही है। क्वेश्चन अरे मतलब सही पूछा है हमें, रॉन्ग रॉन्ग नहीं हाँ, पूछा है, क्वेश्चन सही सही पूछा वो है। डिजायरेबल करेक्टर पूछ रहा है। प्लाज्मा रीयूज आरएनए टेक्नोलॉजी एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एक्सप्रेस आउटसाइड द होस्ट इन बायो रिएक्टर। होस्ट के बाहर तो कर नहीं सकता है, एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ। पहला तो गलत ही हो गया। अब बचा बी और डी ऑप्शन, वो भी आप सीयू ने तो बी गलत ही कर दिया है, डी ऑप्शन हो गया। ले सी और सी डी होगा हाँ, और यहाँ बी पे भी वन होगा, मनी हाँ, मतलब बी सीडी। सी डी है। बी सी डी सही है, बाकी हाँ क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइड तो टिकी होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइड एक ही होना चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल प्लॉट होती है, डिफरेंशियल डी होगा इसका, हाँ नहीं डी होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है। तो वो एंड में होगा ना, क्योंकि मतलब वो पॉइंट करना था में ही होना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है, ये बताइए कहीं पढ़े हैं कैल्शियम फिर क्लोराइड? आपने वो बोला था ना वो करने के लिए, कैलिस वो कोएगुलेंट करने के लिए, फिर कोगुलेंट। आपने वो बताया था हाँ स्पर्म वाला। वो तो ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डीएनए लाइगेज, मतलब कोगुलेंट है कंपिटेंट बनाने के लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने बताया था। तो कौन सा ऑप्शन डी? मेरे को तो डी लग रहा है, आप बताओ। सेव बताइए, नहीं सेव सर सही समझ बता गया, रहे क्योंकि ये हैं। इथाइलिन डायमिन तो शायद उसमें हाँ यूज होता है ना, डीएनए के ये फ्रैगमेंट, डीएनए को सेपरेट करने के लिए। ये कैल्शियम क्लोराइड उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हाँ उसमें हो जाता है। ठीक ये होगा ना सर, एक बता दो एक बार ये क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड में, तो करा गया था। कैल्शियम क्लोराइड मतलब कि जैसे कैल्शियम आयन दे देगा प्लस प्लस, कंपिटेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाँ तो एंड में ही था ना वो, तो एंड में तो अभी पढ़े थे नहीं, कैल्शियम मेरे को ये समझ में नहीं क्लोराइड आया इसका काम क्या इनऑर्गेनिक है, मतलब फिर क्यों करना है मतलब हमें। ये क्रिस्टलाइज सॉलिड रूम टेम्परेचर पे हाईली सॉल्युबल वाटर हो जाता है, और न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आरएनए को क्या बनने होस्ट में यूज किया, आरडीएनए इनटू होस्ट सेल में यूज किया जाता है थोड़ा सा। ठीक है यस सर, ठीक तो एक दो क्वेश्चन और है, कर लीजिए। अच्छा ये वो वाला आ गया। करिए इकोलाइज इकोलाई मेकिंग स्टेगर्ड कट टू प्रोड्यूस इट के इन सही इनटू है, दोनों सही है, डीएनए। दोनों सही है, और दोनों मिशन भी सही है, ये होगा।
दोनों हाँ दोनों सही सही। एक्सप्लेनेशन सही। बी बी जीनी डिवीजन जी हाइब्रिडाइजेशन होता है रिकॉम्बिनेंट बी हो डीएनए। हाँ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निकली। डीएनए। हाँ बताइए, यहां से रीजनिंग असर्शन शुरू हो रहा है, बाकी तो आप जानते हैं ऑप्शन क्या रहता है। एग्जाम में ये वाला आ जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कहाँ है भाई, मॉलिकुलर इसमें। फॉर्मिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल प्लांट। सही है, ये सेकेंड ट्रांसजेनिक प्लांट और ऑप्शन बायोरिएक्टर कमर्शियली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। ये भी सही है। है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ये दोनों ये समझ में नहीं आया मेरे को क्वेश्चन। और इस तो कह रहे